आप देख रहे हैं सिटीलियन न्यूज चैनल हक की आवाज। आज चंद्रायन गुट्टा विधानसभा में काली माता एक ग्रेवाइट है, वहां पर 8 एकड़ 15 घंटे लैंड है, जिसको ले लेकर कई वर्षों से उस लैंड पर यहां के लैंड ग्राफर्स की निगाह है। 3 बार इंडोमेंट के अधिकारियों ने उसको बेचने का प्रयत्न करे तो लोकल के लोग फाइट करके उसको रोके। साथ ही साथ आज जब वो लोग लैंड ग्राफिंग करने में नाकाम रहे, बेचने में वो लोग फेल हुए, तो एक हिंदू एक व्यक्ति को लगाकर लोअर कोर्ट में केस डाला गया, जिसमें इंडोमेंट के ऑफिसर इम्प्लीट नहीं हुए, जिसके कारण उसको ऑर्डर आया। तो आज पुलिस प्रोटेक्शन लेकर वो लैंड कब्जा करने के लिए आए। वहीं स्थानीय लोग हाईकोर्ट से 9 दिसंबर को एक ऑर्डर लेकर आए। वो स्थानीय व्यक्ति डीसीपी को सबको वो हाईकोर्ट का ऑर्डर बताने के बाद में भी हाईकोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करके लोअर कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करके पुलिस प्रोटेक्शन लगाकर उस लैंड को कब्जा करने का प्रयत्न किया गया। यानी लोकल पुलिस अधिकारियों से लेकर इंडोमेंट ऑफिसर से लेकर बहुत सारे लोग ये लैंड को कब्जा करने के ऊपर लगे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता, स्थानीय कई लोग वो लैंड को बचाने में लगे हुए थे, तो स्थानीय डीसीपी, पुलिस अधिकारी, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कई लोगों को अरेस्ट करके दूसरे पुलिस स्टेशन में रखा गया। आज उन तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय पंडित संजय जी जब मिलने के लिए आते हैं तो उनको रास्ते में रोक दिया जाता है, और ऐसे रास्ते में रोक दिया जाता है वहाँ पर कुछ दूसरे लोग जमा होकर धरना प्रदर्शन एवं हमले की योजना बनाते हैं। देखिए, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को ठेस पहुँचाना, लेकिन हमारा इंडोमेंट लैंड है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। और दुर्भाग्य की बात यह है, जो मुख्यमंत्री तेलंगाना के, आखिर कितनी इतनी MIM की गुलामी करेंगे मुझे समझ में नहीं आता। वैसे तो पुराने शहर में बहुत सारे इंडोमेंट लैंड थे जो यही MIM के लोग कब्जा करके बेच दिए। साथ ही साथ आज यहाँ पर बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के मित्र है जो सोशल मीडिया में पब्लिक की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। आपका जो वकबोर्ड लैंड होता है, 125 एकड़ वकबोर्ड लैंड कब्जा करके भी बेचने वाले MIM के लोग हैं। मैंने सर्वे नंबर के साथ में मुख्यमंत्री को कंप्लेंट दिया था, लेकिन आज तक एक भी वकबोर्ड लैंड, एक इंच जगह भी वो लोग नहीं बचा सके। यानी ये दोनों लोग मिलकर ना वकबोर्ड लैंड छोड़ रहे, ना ही इंडोमेंट लैंड छोड़ रहे। मैं कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी इंडोमेंट लैंड की भी रक्षा करेगी और साथ में वकबोर्ड लैंड की भी रक्षा करेगी। मैं ऑल सिटी के सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को कहना चाहूँगा कि वकबोर्ड का लैंड बचाने के लिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, और जहाँ जहाँ पर भी इंडोमेंट लैंड होता है, अगर आपकी दृष्टि में अगर आता है कि लैंड कब्जा हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता को आप सूचना दें। हम आपको आश्वासन देते हैं कि एक इंच भी ना वकबोर्ड की लैंड हम कब्जा होने देंगे और ना ही इंडोमेंट का लैंड हम लोग कब्जा होने देंगे। धन्यवाद। आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पसंद आते हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।